कर देना फीसा ट्यूशना दे दवा के फिर उन्होंने असं 26 साल या 24 साल बच्ची बच्चे बहा के फिर उन्होंने कहना हूँ काम शुरू कर। बिल्कुल अल्टीमेटली एक छोटी जी गल समझण वाली है कि वैटनरी की डिग्री तुम लैन तो पहला अगर वेखो तो फिर भी जाके तो कुकड़ियाँ ही पालनिया ने तो जे फिर पहला क्यों नहीं शुरू कर देंगे जो तुम खुद पालोगे जो तुम उस चीज़ों समझोगे। एक डॉक्टर की है पाकिस्तान हाईएस्ट इस वे मैरिट डॉक्टर है ना जनाब MBBS एडमिशन पाकिस्तान के मतलब 3200-3300 बच्चा जरा सरकारी तौर पर सरकारी कॉलेजों में पढ़ता है अल्टीमेटली वो करता की है फिर यही करता है ना सर कि ही हैज़ गॉट द स्किल टू ट्रीट एन ह्यूमन बीइंग बिल्कुल इवज़ वो पैसे लेंदा है। बिल्कुल असी जड़े लोग हाँ मैं ये नहीं समझ आती एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक असी फूड प्रोड्यूसर लोग हाँ अगर जनाब की इंस्टीट्यूशन जी है अगर मैं समझना वा इस वे थोड़े यूनिवर्सिटी के 5000-6000 बच्चे मेंटली ट्रेन करके घलो ना कि पुत्र डिग्री लैके नौकरी लभन ना जाई बल्कि कारोबार शुरू करी जाके वो खुदा की कसम डॉक्टर साहब इनकलाब आ जाता है। बिल्कुल बजा फरमा रहे हो यही साढ़े वैटरनरी डॉक्टर्स दुनिया हाईली पेड इन बिजनेस ने बाहर के मुल्क तुम पता वो पैट रखते हैं बिल्ली कुत्ता हर घर के और उनकी खिदमत। अगले दिन मैं हैरान होया कि मैं यूरोप के एक मुल्क सफ़र कर रहा सर तो एक कुत्ता उन्होंने पूरी वर्दी जी पवाई हुई वो भी जहाज से साढ़े नाल सफ़र कर रहा है एक बुढ़ी जी आंटी सी 70-80 साल तो उनकी नाल वाली सीट पर कुत्ता भी बैठा हुए साढ़े असी तो हैरान रह जाने वो लोग बड़ी इस चीज़ को करते हैं हाईली सैल इसलिए इनकम उत्तर ज़्यादा है। इसी तरह अं चाहवे कि डिमांड एंड सप्लाई वाली गल है ना आते ने मुल जो चीज़ का नहीं होंगे लोड का होंगे। बिल्कुल सही कह रहे डॉक्टर साहब यह जी किसी भी चीज़ की कीमत जी है ना वो प्रोडक्ट की कीमत नहीं होंगी उसकी नीड की कीमत होंगी है उत्थे चूंकि वो लोग समझते हैं उन्होंने लोगों की अटैचमेंट्स ने कुत्ते बिल्लियाँ पालते हैं तो उन्होंने तो बड़ा कंसर्न है सो उन्होंने सेहत भी बड़ा कंसर्न है। असी मतलब मैं समझना असी तो एक मुसलमान मुल्क के लोग हाँ और इतने खुराक की प्रोडक्शन वाल ध्यान मारीे और अगर असी अपनी स्किल्स जो बेहतर इस्तेमाल कर सकी तो देर इज़ नथिंग विच कैन स्टॉप अस टू बी द मोस्ट प्रॉस्परस नेशन कंट्री व्हाटएवर यू से। सर तुसी बड़ी अच्छी गल की साढ़े इस वे जो वेटरनरी असिस्टेंट्स ने जोड़े मरकज लैवल से यूनियन कौंसल लैवल से ने सर माशाला बड़ी अच्छी इनकम कमा रहे हैं हाँ ऑन कॉल जाते हैं जाके आर्टिफिशियल इंसेमीनेशन और जाके सर्विसिज देंगे ने हाँ नो डाउट गवर्नमेंट भी उन्होंने कुछ सैलरी दे रही होंगी है लेकिन जिन्हें लोगों ने अपना इन बिजनेस बना लिया है वो इस वे माशाला बहुत अच्छे रह गए हैं उन्होंने मोटरसाइकिल अपनी रख ली शुरू तंगी होंगी ना डॉक्टर साहब अभी पहले दिन गए जनाब जाते हैं जीप लग जानी है असी सानू जे कोई बंदा आंदा कि वह भाई जी अपना शुरू कर लो पहले दिन तंग हो गए हौली हौली अगर निकल जाओगे। बिल्कुल असी वेख्या जी 10-20-30 हज़ार रुपया तनखा जीप गड्डी असी उस बिल्कुल जदों पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है प्राइवेट सैक्टर जिहड़ा भी है ना जी वो जो 45 तो बंदा टपदा ना फिर यार हूँ महंगा पैंदा नवा बच्चा रखो इन कड्डो फार है सर ये हूँ महंगा पैंदा जाता पे बिल्कुल उस स्टेज पर आके अपनी लाइफ स्टाइल में उत्थे लै गया होंदा उहदे वास्ते डिसीजन लैना ही स्यापा बन जाता जिहड़ा बच्ची बच्चा स्टार्ट ही बिजनेस तो करे ਉਹ 20-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਜਾਇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੌਬਸ ਫੇਅਰ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ 100% ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੌਬ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹਾਂ है सर बैंक को कारोबार तो नहीं करते बैंक लोन करते हैं। बिल्कुल इस तरह अच्छा उस लोन के इवज मेरे थोड़े पैसे पे ने बिल्कुल इवज सानू इंट्रस्ट लगता है सानू प्रॉफिट लगता है 8% 7% साल का जो तो किसी उधार देंगे 22-24% मतलब को क्लेम करते हैं 5-4% उन्होंने इंपलाइज का कड़ना होंगे है तो सारा कारोबार ही है फिर बिल्कुल तो जे यो चीज़ा ने कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हूँ देखो ना इस वे सानू रक्षे लैते गड्डियां लैती गवर्नमेंट ने इन चंगा नहीं सी पिछले दिन डॉक्टर साहब तशरीफ लियाए सन हाफिज साहब तशरीफ लियाए सन उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट अगर इस तरह करे कि आ जिहड़ियां सानू गड्डियां सी जी ये वो बर्न करने वाली चीज़ा लैती ने एक्सपेंस वाली वो तो बेहतर सी 1 लाख गां पाकिस्तान च मंगांदे बाहरों अच्छे 5 साल हर साल 1 लख गां मंगा के दे जाना तो 5 साल बाद 35 लख गां बन जानी है। बिल्कुल
और 35 लाख गां का मतलब की होना है किन्ने लीटर और किन्ने खानदान और किन्ने बिजनेसेस जितने सारे वो भी काउंट करो तो बड़ी इकोनॉमी रेवोल्यूशन आ जाता। सर सर एक बंदे ने गल की थी, उन्हें कहा जी कि कम्युनिस्ट सी बहुत वड्डा, उन्हें कहा जी दुनिया के उस मुल्क ते कम्युनिज्म नहीं आ सकता जिथे जिस घर च एक भी गां या मझ है। वजह यह है कि उन्हें उपर पूरी फैमिली पल जाती है, तो वो तुसी बड़ी अच्छी गल की कि अगर असी जी कार दे रहे हैं पढ़े लिखे लोगों को असी उन्हें कन्वर्ट कर रहे हैं ड्राइवर च, उन्हें बजाय असी अगर प्रोडक्टिव यूज करिए इस तरह एग्रीकल्चर उन्होंने पिछों एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम से लैंड्स देने का, वो भी थोड़ा जहा प्रॉब्लम है हाली, तो यह गावों लिए बहुत अच्छी सुजैशन है। असी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करांगे कि इस उपर सोचा जाए। जो बंदा एग्रीकल्चर की डिग्री लेंदा है, मतलब मैं समझना चीफ मिनिस्टर पंजाब का फर्स्ट टाइम साडे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स वास्ते एक बड़ा पॉजिटिव स्टैप सी, बिल्कुल, कि सानू उन्होंने 12.5 किले पैली दी, बिल्कुल, जंगलात लाने वास्ते 25 किले पैली दी। सर 12.5 किले की टनल लग जाए ना, तो 12.5 किले की जी टनल है किसी बंदे नू साल मगरों 12-14 लाख रुपया दे जाती है, सारे खर्चे कट गए। बिल्कुल सही, तो जिन्होंने 1 लाख रुपया अपने फॉर्म से लभन दिया, किसी की मुलाजमत को नहीं, अपनी चौधर है, होर की चाहिए। बिल्कुल सिमिलरली अगर असी गाँव लै आने, बिल्कुल, मतलब अगर किसी भी पिंड चो कुरानंदाजी करके दे दौ, वो मैं समझना वा किसी भी तरह दे दौ, बिल्कुल ते बिल्कुल एक ऐसी चीज आएगी जिहड़ी नेचर नू कंजर्व करन वाला आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल, मतलब बजाय दे कि असी हुकूमतां दे, मेरी रिक्वेस्ट है मुतलका हुकूमती अदारियां तक कि खुदारा असी वो चीज़ा देईए जिहड़ियां जिन्हां दी कोई वटक होए, जिन्हां दा कोई कंट्रीब्यूटिव यूज़ होए, जिन्हां दा कोई प्रोडक्टिव यूज़ होए, जिन्हां दा कोई एफिशेंट यूज़ करके कोई बंदा अपनी जिंदगी नू सौखियां बना सकता है। बहुत शुक्रिया अदा करांगे जांदिया जांदिया डॉक्टर अरशद हाशमी साहब दा, डायरैक्टर ने बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ वैटनरी एंड एनिमल साइंसिज लाहौर दे, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर तलनसीर पाशा साहब का, और उम्मीद करते हैं कि यह जिहड़ियां एक्टिविटीज़ ने ऐसी एक्टिविटीज़ जिदे विच बिजनेस प्रोस्पैक्ट्स नू डिस्कस किया जाता है, जिदे विच साडे कौम नू दे विच शऊर बेदार करन दी काविश है कि जी कारोबार करो, इहदे नाल दी कोई एक्टिविटी कोई नहीं। जांदे जांदे अपने मेज़बान सईद मुगल नू इजाज़त दिओ, अल्लाह हाफ़िज़।